Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel, Icon News. My name is Raja Khan, our host, and here we have our guest, Mr. Faizan Alam, and our second guest is Mr. Sanawaz Alam, and our opposite guest, Mr. Khushnoor and Yavar Asraf. Today's topic digitalization. So, our guests know that our first guest is Yavar Asraf. Who knows what to say about this? According to me, digitalization means जब हम किसी भी चीज़ को टेक्स्ट को इमेज को जब भी हम लोग डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर जब हम लोग अपलोड करते हैं या कंप्यूटर के थ्रू हम उसमें काम करते हैं तो उसे डिजिटलाइजेशन बोलते हैं। इसका हेल्प होता है, लोग इसे यूज़ करते हैं बिजनेस मॉडल को चेंज करने के लिए, इंक्रीजिंग रेवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो हमारे दूसरे के जो मिस्टर खुशनूर आलम है, उनसे जानते हैं उसके उनके बारे में क्या कहना है। ये डिजिटलाइजेशन के हेल्प से बहुत सारे लोग के काम में बहुत आसानी हो गया है। ये लोग जो है कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप की हेल्प से सारे काम कर पाते हैं जो कि पहले के ज़माने में बहुत समय लगता था। आज ये सब काम मिनटों में हो जाता है। अब हम जानेंगे हमारे तीसरे गेस्ट से उनका इसके बारे में क्या कहना है, मिस्टर सनवाज आलम से। Digitalization is a process in which we convert data into digital form. People use their computer and laptops through which they convert data into digital form with the help of internet. That's all. तो हमारे चौथे गेस्ट मिस्टर फैजान अहमद, हम उनसे जानते हैं उसका इनके बारे में क्या कहना है। मेरा नाम फैजान अहमद। सो डिजिटलाइजेशन उसको कहते हैं, ये एक तरह का अडेप्टेशन है किसी भी सिस्टम या प्रोसेस का, जिससे हम लोग अपना सारा डेटा या कोई भी वर्क डिजिटली कनेक्टेड कर लेते हैं इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क से, जैसे कि बिजनेस और कितनी भी चीजें हैं। जैसे आज कल लोग देखते हैं सीसीटीवी कैमरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ बैठ के कहीं भी किसी भी चीज को देख सकते हैं। ये भी क्या है, डिजिटलाइजेशन का एक फायदा है। और डिजिटलाइजेशन समझ लीजिए कि बढ़ती आबादी के साथ अगर उन्नति करना है, सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर प्रोसेस जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो हमारे जो पहले गेस्ट है, हम उनसे जानते हैं इसके एडवांटेज क्या है, मिस्टर फैजान अहमद। जैसा कि मैंने अपने डिफिनेशन में कहा सीसीटीवी कैमरास, तो अगर हम किसी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और सीसीटीवी कैमरा क्या करता है, 24 घंटे 24/7 सर्विलेंस करता है। क्या किसी भी इंसान से कम्युनिटी है कर सके वो 24/7? क्या किसी भी इंसान बस कम्युनिटी है कि वो अपने माइंड को रिवाइंड करके दोबारा वीडियो दिखा सके? तो कैमरा सीसीटीवी कैमरा क्या है, डिजिटलाइजेशन का एक फायदा है, बेनिफिट है, ये डिजिटलाइजेशन का इनोवेशन है। इसके आगे कुछ पॉइंट है हमारी अपोजिशन पार्टी के पास को बताए। अब जानेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, मिस्टर यावर असरफ से। As we know, every coin has two aspects. So here it has also two aspects. One of my friends said that CCTV cameras जिस तरीके से वो हमारा हेल्प करता है कहीं पर भी, अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा की वजह से हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कहीं चोरी हो रही है तो सीसीटीवी कैमरा से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हम लोग देखते हैं कि इसके ज़रिए बहुत सारे लोग MMS बनाते हैं, लोग अगर वॉशरूम में हैं या होटल में हैं तो वो सीसीटीवी कैमराज लगा देते हैं जिसकी वजह से उनकी MMS बन जाती है और वो पूरा वायरल हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑल आर द उसके बाद थोड़ी होगा ऐसे, तो ग्रेविटी के भी अगेंस्ट बहुत सारी चीजें, लोग गाड़ी तेज चलाते हैं तो मारी जाते हैं, तो ग्रेविटी की गलती हो गई इसमें, इसे डिजिटलाइजेशन की गलती नहीं रहा है। अगर बनेगा चीज तो बनेगा, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाकू बना है काटने के लिए, लोग भोकरे किसी और को दिए तो मटर हो गया। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन हो रही है डिसएडवांटेज के लिए, तो भाई डिसएडवांटेजेस तो इसका बोलेंगे ना, जो की कैमरा को हैक कर लेते हैं, कैमरा को हैक करके कैमरा बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग चोरी करने भी आ सकते हैं तो हम लोग उस कैमरा को नहीं देख सकते हैं, लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं सीसीटीवी कैमरा पे। कैमरा हम लोगों को जो दिखा रहा है सो हम देखते हैं, लेकिन अगर कोई आकर जो उसको हैक कर लेता है तो फिर हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन चोर आया है, क्या चोर हो रहा है, इंसान रहेगा तभी पता नहीं चल पाएगा, तभी 24/7 नहीं कर सकता गाड़ी। उस चांसेस तो कैमरा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो है, पता चल जाएगा
इतना एडवांस लेवल का हैकिंग कोई करे तब तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे हम देखेंगे जनरल स्टोर चला रहा है कोई लोकल स्टोर चला रहा है। इसमें ये भी देखते हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन की वजह से जो भी चीजें हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा अनसेफ हो जाती है, इसकी वजह से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है। जिस तरीके से अगर अभी हम लोग अगर यूपीआई आईडी या बहुत सारी चीजें अभी हम यूज कर रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं ना कि एक्सीडेंट करने की वजह से हम रोड पे गाड़ी ना चलाएं, ये तो गलत है ना। ये तो वही बात हो गई, एक्सीडेंट हो रहा है उसमें गाड़ी नहीं चलाई, ग्रेविटी की कमी है, ग्रेविटी की गलती है, ग्रेविटी हम लोग को ठोक देता है, ये गलत बात है। साइबर क्राइम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम साइबर सिटी ना बढ़ाएं, हमारा काम है, हमारा काम है डेटा को आगे बढ़ाना। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए सेफ्टी भी बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं, सेफ्टी लिया जा रहा है। यस, वी विल थिंक अबाउट सेफ्टी, वी आर जो implement safety measures. Our government is not taking a step towards this. So government they are only approving, they are only saying like, that. Just like example, I am giving you example. We have to make India digital. Dubai का क्या पूरा paperless economy होने जा रही है, अभी paperless constitution वहाँ है, पूरा भी चल रहा है, तो क्या है? जिससे पढ़े लिखे लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वो लोग जो कि लिटरेट नहीं है वो लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। पढ़ाई के मोबाइल अच्छे लोग अंग्रेजी की सीखने की वो लोग मोबाइल नहीं चलाने आता है, वो लोग को लैपटॉप नहीं चलाने आता है, बट इंडिया इज नॉट इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम, दे आर नॉट इम्प्रूविंग द फैसिलिटीज इन वर्ल्ड। How about no, we live in India, so we should talk about India. Okay. तो भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें, अब लेकिन पैसों में बिक रहा है हर चीज, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब फ्री हो रहा है, इससे हमारा नुकसान भी तो हो रहा है, इससे जानेंगे इसका क्या करें हम। एजुकेशन पैसों में बिक रहा है, अभी आपने ये कहा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं। एक हम लोग के टीचर हैं फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, एक हम लोग के टीचर हैं पटना में खान सर, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। खान सर इज हम लोग को आईएएस का तैयारी करवाते हैं और फिजिक्स वाला हम लोग को आईआईटी जेई नीट का तैयारी करवाते हैं, तो वो दोनों हम लोग को एकदम आप कह रहे तो फिजिक्स वाला एकदम मिनिमम कॉस्ट पे कराते हैं। बट मेरा कहना है कि भाई सिर्फ दो लोगों के पढ़ने से पूरे देश तो नहीं पढ़ लेगा ना। सर आप यूट्यूब खोल कर देखें तो मैक्सिमम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, आप यूट्यूब पर देखें हर एक टाइप का सिलेबस आपको मिल जाएगा, इतना ज्यादा बेनिफिट है। बट ऐसे तो नहीं बोल सकते ना भाई, अरे आप सबको नहीं, बहुत से नहीं, बहुत से लोग पैकेट बेचते हैं एजुकेशन में, हर चीज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है बट उसको भी पैसों से किया जा रहा है, इससे हमारा नुकसान भी तो हो रहा है ना। इससे बच्चे हर चीज फोन में देखते लगे हैं, इसके हम क्या करें? आपको नहीं लगता इसके बारे में कि भाई ये चीज गरीबों को बहुत लेट मिल रहा है, अमीरों को जल्दी मिल जा रहा है, गरीबों तक बहुत कम बहुत पा रहा है, बहुत अमीर तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इसके बारे में हम क्या करें? देखिए ऐसा नहीं कि ये गरीबों को जल्दी पहुंच रहा है, देर पहुंच रहा है और अमीरों को बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है, अभी इसके लिए धीरे धीरे मेजर उठाए जा रहे हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 2022 में लॉकडाउन के बाद कितनी जल्दी जल्दी प्रेवेंट फ्रिक्वेंटली कितने सारे लोग आ गए हैं गरीबों को एडमिशन देने के चक्कर में, कितने ज्यादा लोग आ गए हैं। अभी हमारी कंपनी इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनी है फिजिक्स वाला, मैग्नेट ब्रेन्स और कितनी सारी कंपनीज है खान सर जो फ्री एजुकेशन बांट रही है, और बड़े बड़े लोग इससे ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज बनने में टाइम लगता है, ताज बनने में 40 साल लग गए थे। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही पिछड़े गाँव से बिलोंग करते हैं, ना ही उन लोगों के पास अच्छा नेटवर्क है, ना ही उन लोगों के पास अच्छा मोबाइल है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके। सो डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन गरीब लोगों के लिए ये सोचा नहीं जा रहा है, गरीब लोग जो है वो लोगों के पास नहीं मोबाइल होता है, ये गलत अच्छा मोबाइल होता है। नहीं देखिए आप रेशियो उठा के देखिए 2011 में कितने गांव में नेटवर्क नहीं था और 2022 में कितने गांव नेटवर्क आ गया है। अभी आप बिहार से आगे बढ़िएगा, बिहार में रहते हैं, बिहार की बात करेंगे तो गया कि ईस्ट एरिया जितने भी जाइएगा आप हिसुआ नवादा उस समय नेटवर्क नहीं था 2011 में, अभी वहाँ पे जाइए अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ नेटवर्क नहीं है, 80% लोगों को फायदा मिल रहा है तो उन 20% लोगों का क्या है जिसको फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन इस वाले 10 साल में उनका क्या? इस बार ये तो गलत बात है, घर की सफाई करते तो एक बार पूरे घर की सफाई चल जाती है, आधा ना करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी कितना रेशियो बढ़ गया पहले से ज्यादा, आजादी के बाद हमारे देश की एजुकेशन क्या थी? डिजिटलाइजेशन कोर्स अगर दे रहे हैं तो हम उनके फैकल्टी के बारे में नहीं जान पाते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ा कैसा रहे, जिसकी वजह से अगर मान लिया कि जो लोग अगर
स्पॉटिफाई कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं या स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीजें नहीं है जो की पढ़ा रहा है तो उनके बारे में बहुत सारे यूमर्स होते हैं, लोग उनके बारे में गलत गलत नॉलेज फैला देते हैं और एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो अपना बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं जिसके थ्रू लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। इसे कहते हैं फॉल्स मार्केटिंग। अच्छा, तो फॉल्स मार्केटिंग के बारे में आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि फेक एडवर्टाइजिंग करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोलगेट को अगर हम लोग देख ले तो कोलगेट ये बोलता है कि वो डॉक्टर का सुझाया हुआ नंबर वन ब्रांड है और इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपके दांत बहुत ज्यादा सफेद और शाइनी होते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे तो डॉक्टर मना करते हैं कोलगेट को यूज करने के लिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स बहुत सारे ऐसे यूज किए जाते हैं जो आपके टीथ को डैमेज करते हैं, जो आपके मसल्स को डैमेज करते हैं। और भी इसके अलावा सेंसोडाइन की अगर बात करें तो उसने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से की है कि वो नंबर वन ब्रांड इंडिया का बन चुका है। लेकिन बहुत सारे इसी की वजह से इंडिया में उस एडवर्टाइजिंग पर बैन लगी थी जो कि कोई डॉक्टर उसको उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन वो एडवर्टाइजिंग इस तरीके से कर रहा है कि वो डेंटिस्ट के लिए डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल ब्रांड है। लोग अपना ब्रांड एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपने बड़े बड़े पोस्टर की वजह से फेमस नहीं होता है। जैसे कोई भी फिल्म लेते हैं हम तो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग की वजह से फेमस नहीं होता है। फिल्म का क्या क्या है कंटेंट है उसकी वजह से फिल्म हिट होता है। तो फिजिक्स वाला हो या कोई भी कोलगेट ब्रांड है, सेंसोडाइन है, कोई भी चीज है, वो अपना क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को उससे फेमस हुआ है वो, ना ही अपने ब्रांड एडवर्टाइजिंग के हमारा पोस्टर लगा देंगे इसका ये फेमस नहीं हो जाएगा। यहाँ से लोग बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो पास होंगे, कितने दार के ही में रैंक लाएंगे उससे वो चीज फेमस हुआ है। तो फॉल्स मार्केटिंग नाम की कोई चीज, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लाइंडली बिलीव कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। लोग देखते हैं इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं तो अलग अलग चीज प्रिस्क्राइब होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब होता है। अब किसी को कोलगेट सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, जैसे कि लोग तो जाके देख नहीं ना रहे कि वो जो बना रहा है कोलगेट उसमें किस तरीके से बना रहा है, क्या चीज यूज कर रहा है। वो हम लोग जो भी पब्लिक तक बहुत बात पहुंच रही है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहुंच रही है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो सही है या गलत है, क्या उसने आपको बताया? किसी भी प्रोडक्ट पे जो इंग्रेडिएंट लिखा रहता है वो कोई भी नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता है, वही इंसान उसको समझ सकता है जिसको अच्छा नॉलेज है, जिसको केमिस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज है। क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब किसी न किसी केमिकल नेम में होते हैं, किसी न किसी केमिकल का यूज किया जाता है। तो हम लोग भाई इससे हम लोग जानना चाहते हैं कि लोग इससे एडिक्टेड भी हो रहे हैं और इससे फायदा भी हो रहा है कुछ कुछ, हम जानेंगे इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। इन दिस डिजिटल एरा पीपल्स आर मोर एडिक्टेड इन डिजिटलाइजेशन इन सोशल मीडियाज, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो भी स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स लाइफ में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपना टाइम इंस्टाग्राम सोशल मीडियाज इन सारी चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लोग इसके थ्रू अपने गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं। स्टूडेंट्स द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी प्रेशियस, दे आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू देयर टाइम, दे स्पेंड मच टाइम इन यूजिंग सोशल मीडिया, व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया दे स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, दे आल्सो गेटिंग एडिक्टेड टू इट, लोगों को लत लग रही है। सर्च वन वीडियो आफ्टर स्क्रॉलिंग दे आर वेस्टिंग देयर मोर टाइम इन सोशल मीडिया। तो देखिए ये कोई व्हाट इफ नहीं, आप लोग सिर्फ व्हाट इफ की बात कर रहे हैं। लिटरेसी डी डायरेक्शन से बड़ा फायदा ये है कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ा तभी बच्चे सोशल मीडिया यूज कर पा रहे हैं। अगर हम जा ही रहते तो कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाते, लिटरेसी रेट बढ़ रही तभी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जब लोग अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर एजुकेशन के लिए करेंगे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अभी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस अगर गवर्नमेंट या स्कूल ने प्रोवाइड की तो उसमें से मोर देन 50% स्टूडेंट वो होते हैं जो कि पढ़ाई के टाइम अपना टाइम गेम पर वेस्ट कर देते हैं। डिजिटलाइजेशन सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप कभी
इस कब का मतलब जानना है, कब क्या होता है, कैसे बनता है। अभी आप जस्ट सर्च कर अपने टेलीफोन पे से पता कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी पूरे ब्रह्मांड के किसी भी एक टॉपिक पर नॉलेज देना हो आपको, तो आप गूगल पे सर्च कर अपने टेलीफोन पे, ये टेलीफोन है कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट पे है। आपको नहीं लगता है कि इसके कारण टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी गैंग हुई उसको सर रखते हैं कहीं और दूसरी कंट्री से उसको उसको ऑपरेट करते हैं और एक बार में ही सर सारी चीजों को वो लिटरेसी रेट कैसे बढ़ रहा है कि हम किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। अभी आपको मिलेगा एक टॉपिक बोलने के लिए, हम उसके बारे में अपने गूगल करके जान सकते हैं, अपने टेलीफोन पे हम सब कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा इररिलेवेंट चीज भी अवेलेबल है वो व्हाट इफ अगर है तो इसको हटाना काम है, उसको लिमिटेशन लगाना काम है, उसके लिए बैरिकेड लगाना पड़ेगा कि अब 18 लग सकता है। आजकल बच्चे हर गेम में हर फिल्म में लगा हुआ कि आई हैव टू अब 18 पर लोग यस कर देते हैं, तो लोगों के अंदर की बुराई है ना, डिग्रेडेशन की बुराई है। जो चीज बेकार है वो सब चीज डिजिटलाइजेशन में आई नहीं, तब ये चीज कंट्रोल हो सकती है, वरना सर ये हमारी और आपके नेचर में है कि अगर 10 चीज अगर रिलेवेंट देखेंगे तो उसमें से सर 9 चीजें इररिलेवेंट जरूर होंगी। ये नहीं, ये आप गलत देख रहे हो, 9 चीजें इररिलेवेंट होंगी। बहुत सारे लोग सर ऐसा करते हैं, ये 9 चीज इररिलेवेंट हो ही सकती है, 9 चीज फायदा होता है, एक नुकसान हो सकता है, हमेशा हर चीज में होता है। भगवान नहीं बनाया तो 10 अच्छे लोग बनाया, एक बुरे लोग बनाया, नेचर का वही साजिश वही है कि एक अच्छा एक बुरा हमेशा वैसा रहता ही रहता है। लेकिन ये जो गंदी चीजें अट्रैक्ट करती हैं पीपल को, अट्रैक्ट करती मानते हैं, उस पे लिमिटेशन लगाने का प्रोसेस चालू है, चल रहा है, वो धीरे धीरे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। उसके लिए साइबर क्राइम के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, साइबर क्राइम स्कीम निकालती है उससे ज्यादा सर अगेंस्ट जो लोग सबसे बड़ी बात है, लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन यह है कि छोटे बच्चे के सिलेबस में डाला जाए कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सॉल्यूशन क्या होते हैं, साइबर क्राइम लोग ये कैसे होना होता है, को एजुकेशन के सिलेबस में बदलना चाहिए। बच्चों की कहानी होती है ना, जिसमें कहानी लिखी हुई, तो बच्चों को साइबर टेक्नोलॉजी पर कहानी सिखाना पड़ेगा कि साइबर कैसे यूज करते हैं, कैसे इंटरनेट पर रहना होता है। इंटरनेट पर जो हम रहते हैं तो हम कोई भी सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया है, तो ऐड किया जा रहा है प्रोसेस में, किसी भी चीज में बुक भी छपने में टाइम लगता है, हर चीज प्रोसेस में है। अभी एडिशनल कोर्स बहुत सारे ऐड हुए हैं, सिखाना पड़ता है बच्चों, बच्चों बताना पड़ता है कि इंटरनेट अकेले नहीं है, हमें सिर्फ हम या हमारा दोस्त नहीं देख रहा है, बिलियन ऑफ पीपल देख रहे हैं। यही तो इंटरनेट स्टैंड फॉर, इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, हम इंटरनेट पर है, पूरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में है, यही तो नेटवर्क सारी जगह से कनेक्शन होने की वजह से ही तो ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अगर हम और आप अगर कनेक्ट होते ही नहीं इस चीज से तो कैसे सारे लोग एक दूसरे के। अभी जनरली रिपोर्ट में आया है कि सर ट्रू कॉलर के पास 300 करोड़ लोगों का सर डेटा है, अगर वो उसका मिसयूज कर ले तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे सोचेंगे? व्हाट इफ के बात कर नहीं है, अगर सब कुछ हो सकता है, अगर थायरॉइड चुटकी बजा दे दुनिया खत्म हो जाता है, अगर कुछ भी हो सकता है, सर हम बात करेंगे, नहीं कर सकते बात करेंगे, व्हाट इफ की बात कोई नहीं। व्हाट इफ की बात जो आप कर रहे हैं, व्हाट इफ में तो गवर्नमेंट पास हमारे इतना रिकॉर्ड्स है, तो गवर्नमेंट भी इसको स्पॉइल कर सकता है, हमारा पूरा आधार कार्ड लिंक है, सब कुछ गवर्नमेंट पास स्पॉइल है, गवर्नमेंट पास बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ है, तो व्हाट इफ में तो गवर्नमेंट भी यूज कर सकता है, बिल्कुल गलती हुआ है, हमारे बैंक भी कर सकता है, आपको पूरा पैसा बैंक के पास है, इसलिए तो फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे अपने सारा पैसा अगर किसी बैंक में जमा कर रहे हैं तो सर अगर आप जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट के पास, हमारा जो भी चीज है डेटा है सर, जब भी गवर्नमेंट उसको चाहे हमारे बारे में सारी चीज पता कर सकती है। सर अगर पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, अभी हाल ही फिलहाल में एक एक इंसान थे जिनका सारा पैसा बैंक से सर, सारे हैकर ने सर उसका सारा पैसा, पहले हम लोग क्या करते थे, पैसा मुंशी जी के पास जमा करते थे जब बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम में ये केस ज्यादा होता था। अभी तो बैंक हम लोग को और उल्टा प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, की पैसा जमा करने उल्टा हम लोग का टैक्स बढ़ता भी है, जो कि इस चीज से अनअवेयर है वो लोग, तो सर हम लोग को अभी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है इसमें डिजिटलाइजेशन ही क्या, और इवन थ्रू डिजिटलाइजेशन का यूज कर हम लोग अवेयरनेस और स्पीड से फैला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैकर क्या करते हैं, वो लोग ओटीपी भेजते हैं, ओटीपी भेजते हैं, वो पूछते हैं ओटीपी क्या, वो तो फिर कोई भी कंफ्यूजन है, वो नहीं है साइबर क्राइम डिजिटलाइजेशन पे ही आया है ये सब। अगर देखिए सर, अगर आप डिजिटलाइजेशन का बात नहीं करें, लोग बैंक पैसा लेकर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बाइकर्स आते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं बैंक के थ्रू, तो हम लोग क्या करें, रोड पर चलना बंद कर दें,
ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि डिजिटलाइजेशन ही बंद कर दे, हम लोग को सोल्यूशन इस पूरे आबादी पे कंट्रोल लगाना, काउंटिंग करना, लोगों का काउंटिंग करना, जनसंख्या जानना, लोगों का लोग कौन से स्टेट से आ रहे हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं, आपका लोकेशन पता करना, इसके लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। पहले का जमाने नहीं है ना 20-40 करोड़ की आबादी है, लोग फैल फैल के अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, इसके लिए आगे चलते हैं, हद से ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग को लिमिटेशन लगाना पड़ेगा कुछ की कहाँ पर चीज अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो सबसे पहले उसके लिए प्राइवेसी होनी चाहिए, जो की प्राइवेसी हमारी कंट्री में खास करके सर नहीं है, हमारी ट्रू कॉलर अपना जो भी सर डेटा है वो दूसरी कंपनी को सर नहीं बेचती, अगर जो ऐसा होता तो नहीं ना ट्रू कॉलर, जिसके कारण सर बहुत सारी कंपनियों ने ट्रू कॉलर को नहीं दिया है ऐसा यूज करने के लिए, लेकिन हमारी कंट्री में चूंकि इस तरीके का कोई लॉ नहीं है इसलिए हमारी कंट्री में ये सारी चीजें हो रही है। ट्रू कॉलर के टर्म एंड कंडीशन पे साफ साफ लिखा है वी कैन यूज योर डेटा, पर आप लोग उसे चेकबॉक्स क्लिक करते हैं तब जाकर डेटा यूज होता है आपका, ऐसे चेकबॉक्स क्लिक नहीं किया डेटा यूज नहीं होगा, ये तो ट्रू कॉलर की मिस्टेक है, क्या वो हम लोगों का डेटा को ले करके और किसी दूसरे कंपनी को भेज रहा है, एक्सेप्ट करते हैं ट्रू कॉलर कंडीशन, आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सर विश्व डाटा का सर हम लोग ट्रू कॉलर पे बात नहीं करने का, अगर हम लोग बात करें कहीं जाने का तो वी कैन यूज जीपीएस सिस्टम इजीली इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Yeah, it is good. And we also, if you are talking about cameras and all the CCTV cameras, because of that, is there any disadvantage in this? Yeah, it has very disadvantages. Like people sir edit their images and they make nude images of anyone. Sir, I'm talking about GPS system. What GPS system? Location. Yeah, it is very helpful. We can participate in the moment without being actually there. ये सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे ऐसे चीज है जो की अफवाह हो जाते हैं, जैसे की पीपल कोई भी चीज को अफवाह बोलता है, लेकिन कुछ लोग अगर लाभ पता हो गया तो उसके बारे में लोग फेमस इसीलिए करते हैं, फायदा भी उसका है, फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन फायदा बहुत सारा है उसका। अगर आपको कुछ करना है, आपको कोचिंग खोलना है, तो आप उसका बैरिकेड लगा के पोस्टर आप कल सोशल मीडिया पे जाइएगा वायरल करने अपना कोचिंग को, इसका नहीं कि आप घर में रखिएगा पोस्टर लगा के, आप उसके लिए फायदा फेमस के लिए आप सोशल मीडिया यूज करिएगा, लेकिन आपको नुकसान भी होता है, नुकसान भी है फायदा भी है। मेन चीज तो नुकसान है सर, नुकसान मैनिपुलेशन सर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर टाइम लोग क्या करते हैं किसी भी इमेजेस को किसी भी चीज को लेकर के सर एडिट करते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी वजह से सर उसकी जो भी चीज है जो भी उसमें जो भी उसकी देखिए नुकसान के लिए खुद का कंट्रोल एंड कंडीशन होना जरूरी है, खुद से कंट्रोल एंड कंडीशन नहीं कर पाएंगे नुकसान होता ही रहेगा। हम सर अरे चीज मेजॉरिटी ऑफ पीपल 140 करोड़ की आबादी में अगर मान लिया अगर 10% 20% 50% लोग भी सर कंज्यूम कर रहे हैं अपने पूरा 50% अगर नहीं कर रहे तो आप समझ नहीं सकते हैं कि उसका मिसयूज क्या क्या हो सकता है। अगर हम डिजिटाइजेशन की बात ना करें, एक होता है डिजिटाइजेशन, हर कोई आजकल चाहता है मेरे हाथ में जो घड़ी रहे डिजिटाइज रहे, क्लॉक वाइज ना रहे, हर कोई चाहता है, तो इसके लिए ये नहीं ना कि उसको बंद कर दें, लोगों की विश बढ़ रही है, ख्वाहिश बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, आधुनिकता आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट्स डिजिटलाइजेशन, सो ऑफ कोर्स इसके बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है, लोग बहुत सारा घंटा बहुत सारे टाइम जो है वो मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनके फिजिकल डिसऑर्डर होता है, उन लोगों के आंख खराब हो रहे हैं, उन लोगों के हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हो रहे हैं, इसके कारण जो बहुत सारे नेटवर्किंग पे जो काम चल रहा है, बहुत सारे नेटवर्क्स लग रहे हैं सर, इसके थ्रू जो भी एनिमल्स है जो भी बर्ड्स है सर, इसके थ्रू सारे को सर प्रॉब्लम हो रही है। इस बात का भी कर सकते हैं हम लोग कि जितने भी अभी के टाइम में इसी बार अगर आप देखिए तो सर बहुत ज्यादा एनिमल्स इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, इस पे भी हम लोग एक ही बात बोल सकते हैं, लिमिटेशन की जरूरत है, बंद करने की जरूरत है, लेकिन अभी के टाइम में सारे लोग चाहते हैं कि हम अगर जहाँ पे करोड़ कमा रहे हैं वहाँ पे 10 करोड़ कमाए, इसके लिए वो लोग सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते, वो लोगों की गलती है,
फिर सब वही बात हो रही है, लोगों की गलती हो रही है, इसलिए क्योंकि डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा लोग अपना सारा वर्क इसी पर, अपनी वर्क सारे चीजें लोग इसी पर कर रहे हैं, लोड सब लोगों पर ज्यादा हो गया है। तो इस बहस को हम लोग यही गिन करते हैं, हमारा टाइम कम है इसलिए इस बहस को यही गिन करते हैं। इसका जवाब यही निकलता है कि हमें इसके बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है, तो हमें इसका यूज सही तरीके से चाहिए ताकि इसका उतना नुकसान ना हो, इसका फायदा हम उठा सके, इसका नुकसान कम हो और फायदा भी हम अच्छे से ले सकें। तो हमारे गेस्ट का आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, हम यहीं पर इसको एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।